नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। आज मैं मावे के लड्डू बना रही हूँ। मैं इसमें घी हल्का सा डालूंगी क्योंकि मावे में वैसे भी घी है। घी का मावा जो खखोरी कहते हैं वो है। इसमें मैं बेसन भूनूंगी। मैंने बेसन को डाल दिया है, अब इसको मैं भूनूंगी। मैं ज्यादा मेवा वो बेसन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बेसन से ज्यादा बेसन जैसा स्वाद आने लगेगा और मावे के हिसाब से बेसन डालना है। इसको मैं हल्के से घी में भून रही हूँ, ज्यादा घी नहीं डाली हूँ क्योंकि मावे में ज्यादा घी होता है तो ये लाल हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसको निकालूंगी। इसको ब्राउन तक इसको भूनना है। ये बेसन भून गया है, हल्का और ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको बंद करूंगी। ये बेसन हो गया है, फ्राई हो गया है। अब मैं बेसन को बंद कर दी हूँ गैस को। अब इसको ऐसे रहने दूंगी। जो मावे का मावा बचा है खुचन घी का, उसको मैं कढ़ाई में करके इसके रख दी हूँ। इसको मैं ज्यादा नहीं भूनूंगी, इसमें तुलसी के पत्ता इसको मैं भूनूंगी नहीं, उसी हिसाब से बनाऊंगी जैसे मैं उसमें बनाई थी मिल्क केक में। अब इसको मैं इसमें गुड़ डालूंगी। इसमें मैं गुड़ डालने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा गर्म कर दी, इसका घी जो था वो सब बैठ गया है। मैंने गुड़ को डाल दी हूँ, इतना ही गुड़ डालूंगी, ज्यादा गुड़ नहीं, ज्यादा मीठा हो जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं है एक मावा। इसको इसमें फ्राई करूंगी, भूनूंगी काफी देर तक, गुड़ इसमें पिघल जाएगा। एक गुड़ इसमें पक गया है। गुड़ के साथ देखिए एक घी भी छोड़ रहा है बहुत सारा, और गुड़ भी पक गया है। मैं इसमें सौंठ डालूंगी, जो अदरक का अदरक को सुखवा के बनता है सौंठ। मैं इसमें सौंठ और छोटी इलायची की है उसको डालूंगी। ये दोनों डाल के फिर मैं इसको पकाती हूँ। अब इसी में मैं बेसन भी डाल देती हूँ इसी समय, क्योंकि ये बिल्कुल पक चुका है। ये देखिए सौंठ है और छोटी इलायची है, इसको मैंने अभी कूट के फिर चालन से निकाली हूँ। इस सोट को, सोट डालने से एक फायदा होता है कि जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या घुटनों में, उससे फायदा करता है। सोट गर्म भी होता है, इसको जैसे सोट डालते हैं। और छोटी इलायची तो स्वाद के लिए डालते हैं, स्वाद आता है। तो अब मैं इसमें बेसन डालूंगी। इस बेसन को भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। अब इसको मिक्स कर दूंगी। ये पक गया है बिल्कुल। इसमें मैं मावा डाल दूंगी, जो मावा ये मैं रख रखी हूँ कटोरी में। इसमें बादाम है, काजू है, किशमिश है, नारियल है, इसको डालूंगी। मैं सारा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा बचा लूंगी। ये पक चुका है, मैं गैस को बंद करूंगी और ठंडा होने का इंतजार करूंगी। ठंडा होगा उसके बाद ही इसकी लट्टू बनेगा। देखिए नीचे पकड़ लेगा नहीं तो। ठंडा हो गया, मैं लड्डू बना रही हूँ। ये देखिए ये लड्डू बहुत ही ज्यादा फायदा है, ठंडियों में तो बहुत ज्यादा फायदा है। बहुत गर्म है यार, जोड़ों का दर्द हुआ, ठंड भी लग गई जिसे, उसको भी ये बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि इसमें गुड़ है और सौंठ है, छोटी इलायची है, बेसन है, तो फायदा है इसको। अगर घी बना लें, घी का मावा बची जाए तो उससे जरूर बनाइए, एक बार ट्राई करिए कैसा लग रहा है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद मावे और बेसन की लड्डू, सौंठ गुड़ से भरे हुए, एक बार जरूर ट्राई करिए मावे का लड्डू। जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद मावे और बेसन की लड्डू, सौंठ गुड़ से भरे हुए, एक बार जरूर ट्राई करिए मावे का लड्डू।